अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाला हूँ मटर और आलू की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने एक कुकर में 2 चम्मच तेल डाल लिया है। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच भर के कस्तूरी मेथी, 1/2 चम्मच जीरा हल्दी पाउडर, फिर 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोल लें सब्सक्राइब करने के लिए। अब 1/2 चम्मच से मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैं यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज, 1 टमाटर, 3 बड़े आलू लेके काट लिया है, 1/2 कप धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च को मैंने 2 पीस कर लिया है, और 1/2 कप मटर लिया है। इसको धो के मैंने इसमें भी डाल रही हूँ। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 गिलास पानी डाल लें। मैं यहाँ 2 सीटी ले लिया है। कर लें हमारे मटर और आलू की सब्ज़ी पक गई है या नहीं। अब अच्छे से हिलाएं। 3-4 आलू के पीसों को अच्छे से मैश कर लें, ग्रेवी में थिकनेस आएगी। ये अब हमारा मटर आलू पक चुका है। अब हम एक बाउल में सर्व करेंगे। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत अच्छी बनेगी सब्ज़ी, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।